आम आदमी पार्टी की आतिशी को आया कोर्ट से बुलावा। सीएम अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी होगी सच। क्या अब आपकी मंत्री आतिशी को होगी जेल? दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक भले 1 जून तक जमानत पर बाहर हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि अब उनके एक और मंत्री को कोर्ट से बुलावा आ गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मई को आप सरकार में मंत्री आतिशी के खिलाफ समन जारी किया। आपको बता दें कि आतिशी के खिलाफ ये समन मानहानि मामले में जारी किया गया है। कोर्ट ने आतिशी को 29 जून यानी बुधवार को पेश होने के लिए तलब किया है। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आरोपी हैं, हालांकि उन्हें समन जारी नहीं किया गया है। दिल्ली बीजेपी के नेता प्रवीण शंकर कपूर ने कोर्ट में अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री आतिशी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में शिकायत दर्ज कराई। कई बार आप नेता आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी की ओर से आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। इसी बयान के खिलाफ बीजेपी नेता ने मानहानि का केस किया था। आतिशी ने यहां तक कहा था कि उन्हें बीजेपी ज्वाइन कर अपना राजनीतिक करियर बचाने के लिए कहा जा रहा है और आप नेताओं को करोड़ों रुपए का ऑफर दिया गया है। इसी मामले में अब बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने मानहानि केस में कोर्ट के द्वारा नोटिस भिजवाया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर के मानहानि केस को स्वीकार कर लिया। अब इस मामले में आतिशी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 1 जून को पंजाब में लोकसभा सीट के लिए मतदान होना है। ऐसे समय में आतिशी के खिलाफ समन जारी होना पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने फिर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि मैंने पहले ही बोला था कि अब ये आतिशी को जेल भेजेंगे और उसी की प्लानिंग चल रही है। दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल 1 जून तक के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अंतरिम जमानत पर है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी इसी मामले में जमानत पर है। मनीष सिसोदिया इस मामले में अभी जेल के अंदर है। वही सत्येंद्र जैन आय से अधिक संपत्ति के मामले में सलाखों के पीछे है। भाजपा ने चैलेंज करा था कि यदि आप ऑपरेशन लोटस, जो आप इतनी कैलस तरीके से बोलते रहे, नाम दीजिए ना, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन न माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पुलिस के सामने आए, ना माननीय मंत्री आतिशी जी आए। उसके बाद इन्होंने अनेका प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, लेकिन एक बार भी नाम उजागर नहीं करे। उसके बाद 2 अप्रैल 2024 को माननीय मंत्री आतिशी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जहां पर इन्होंने दोबारा ऑपरेशन लोटस जैसा घिनौना आरोप बिना किसी तथ्य के, बिना किसी सबूत के भाजपा पे लगाया। और तब बड़े भाई आदरणीय प्रवीण शंकर कपूर जी ने हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के बरखास्त से ये डिफेमेशन कंप्लेंट फाइल करी है। वही बांसुरी स्वराज ने आतिशी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आप नेता आतिशी ने बिना किसी तथ्य और सबूत के हमारी पार्टी और नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में सबूत है तो पेश करें, नहीं है तो हमारी पार्टी को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है उसके लिए कोर्ट में जवाब। ब्यूरो रिपोर्ट में।